जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मंगलवार को सांचौर विधायक सुखराम विश्नोई के नेतृत्व में कई कांग्रेस पदाधिकारी सरकार की नीतियों के विरुद्ध अनशन पर बैठे। जालौर जिले में पिछले माह सांचौर भीनमाल रानीवाड़ा में आई बरसात व बाढ़ से हुई अतिवृष्टि के बाद रानीवाड़ा सांचौर व भीनमाल के किसान व व्यापारियों को जन धन का भारी नुकसान हुआ, जिसको लेकर जालौर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सांचौर विधायक सुखराम विश्नोई के साथ कई कांग्रेसी पदाधिकारी अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे सांचौर विधायक सुखराम विश्नोई ने विरम न्यूज को बताया कि जिले में आई अतिवृष्टि से जिले के किसानों की फसलें नष्ट हो गई तथा व्यापारियों का सामान नष्ट हो गया था, जिसका सरकार द्वारा अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जिससे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है, जिससे परेशान होकर अनशन पर बैठे हैं। विधायक ने चेतावनी दी है कि जब तक मुआवजे को लेकर सरकार संतोषजनक जवाब नहीं देती है, तब तक अनशन जारी रहेगा। सांचौर विधायक के साथ पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल सहित बड़ी संख्या में जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी अनशन पर बैठे हैं। जुलाई में बाढ़ आई थी, विशेषकर सांचौर में न तो पशुओं का मुआवजा दिया, न मकानों का मुआवजा दिया, ने किसानों के खेत खराब उसका मुआवजा। दो किसान तो आत्महत्या करके मर गए और तीन का पानी के लिए प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार स्वीकृत किए थे, DRFR और ER। FR का केवल मात्र भाजपा सरकार नाटक किया, जालौर शहर में केवल मात्र कच्चा पानी पहुंचाया, उसके बाद में पानी की तीसरी कर दी। हमने मांगे हैं कि जो तीनों प्रोजेक्ट को चालू किया जाए, जो पानी पहुंचाया जाए, जो नुकसान किसानों को व्यापारियों को हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति मुआवजा तुरंत दिया जाए। इन मांगों को लेकर हम अनशन पर बैठे हैं। जब तक संतोषजनक हमें जवाब नहीं मिल जाता है, बाकी हम किसानों का खाते चले गए नहीं कि चले, तब तक हमारा अनशन जारी। जालौर नगर परिषद के सभापति भवरलाल माली व उनके एक सहयोगी देवेंद्र आचार्य की हाईकोर्ट ने जमानत स्वीकार कर दी है। जालौर नगर परिषद के सभापति को एक ठेकेदार से रिश्वत के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक अन्य सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया था। सभापति व एक अन्य सहयोगी देवेंद्र आचार्य को ACB ने पाली के ACD कोर्ट में पेश किया था, जहाँ उनकी जमानत खारिज करते हुए 3 सितम्बर को सुनवाई की तारीख तय की थी। परिषद के सभापति को 19 अगस्त को परिषद से रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय सार्वजनिक चिकित्सालय में स्थित ब्लड बैंक को लेकर रक्तदाताओं का विश्वास दिनों दिन उठता ही जा रहा है। जालौर ब्लड बैंक को लेकर पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं। जालौर के ब्लड बैंक में अव्यवस्थाओं को लेकर विरम न्यूज को मिली सूचना के आधार पर ब्लड बैंक में आकस्मिक पहुँचने पर ब्लड बैंक में लगा ब्लड की जानकारी का बोर्ड पर कोई संतोषजनक जानकारी भी अंकित नहीं थी। ब्लड बैंक के बोर्ड पर लगी जानकारी को विरम न्यूज ने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, तो कार्मिक ने ब्लड बैंक के बोर्ड को आनन फानन में साफ कर दिया। राजकीय अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में लगे CCTV कैमरे में छेड़छाड़ी को लेकर अस्पताल के PMO ने पुलिस थाना कोतवाली में डॉक्टर SP शर्मा के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। अस्पताल के ब्लड बैंक में कार्मिकों व डॉक्टरों की कारगुजारी का आलम तो यह है कि पिछले 15 दिनों से CCTV कैमरों की केबलें भी कटी हुई हैं। ब्लड बैंक में रक्तदाताओं के उठते विश्वास को लेकर विरम न्यूज ने PMO से बात की, तो कार्यवाही की बात करते हुए व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से ATM को लेकर आम जन को जागरूक बनाने के लिए मोबाइल ATM वैन जालौर पहुंची है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक परमानंद भट्ट ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के ATM से पैसे निकालने की आसान प्रक्रिया को मोबाइल ATM वैन के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। MGB बैंक की मोबाइल ATM वैन को जिले के सभी तहसील क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए भेजी जाएगी, जिससे सरकार के जनधन खातों का ATM से लेन देन के आसान तरीकों की जानकारी देकर ATM मशीन की प्रक्रिया को दिखाकर आम जन में जागृति लाई जाएगी। यह राजस्थान मरुधरा ग्राम बैंक मोबाइल वैन है। इस मोबाइल वैन में ATM लगा हुआ है। यह राजस्थान के 15 जिलों में गांव गांव घूम रही है, ताकि गांव वाले अपने गाँव के अंदर अपने चौटे पे बैंक के ATM से पैसे निकाल सकें। राजस्थान मरुधरा ग्राम बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर प्रायोजित है, इसके जो ATM कार्ड है, हिंदुस्तान के किसी भी बैंक का ATM कार्ड हो, उससे पैसे निकलते हैं। यह भारत सरकार के वित्तीय समावेशन का जो बड़ी योजना चल रही है, उसका हिस्सा है। इसके तहत गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, बीमा योजनाओं के बारे में और सरकार की योजना स्वच्छता के बारे में
व्यापक प्रसार प्रसार किया जा सके। यह वैन अभी 12 दिन के लिए पूरी जालौर जिले में रहेगी, जिसका पूरा कार्यक्रम 2 दिन के 3 दिन के लिए उमेदपुर के अंदर, जहां भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा बड़ा कैंप किया जा रहा है, वहां पर रहेगी। उसके बाद पूरे जिले में ये वैन लगातार घूमेगी। गाँव वालों से मेरी उम्मीद है, निवेदन है कि वो इसका खूब लाभ उठाएँ और मैक्सिमम ATM का यूज़ करें। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मंगलवार को जालौर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर जालौर ग्रेनाइट के लदान के लिए पहुंच रेल क्रेन मशीन एवं ट्रैक का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जालौर ग्रेनाइट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। जालौर के विभिन्न प्रकार की ग्रेनाइट की स्लैबों का रेलवे के माध्यम से बेंगलोर पहुंचाने एवं बेंगलोर से दक्षिण भारत के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रेनाइट की जालौर में पहुंच करने के लिए रेलवे द्वारा रैक की सहमति होने के बाद अब आगामी 1 सप्ताह के भीतर जालौर के ग्रेनाइट के पत्थर की पहली रैंक बेंगलोर के लिए रवाना किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आज मंगलवार को मध्याह में जालौर रेलवे स्टेशन पहुंचे तथा मौके पर आराशिया कंपनी के कंटेनरों को रेल से नीचे उतारने, ट्रैक एवं कंटेनर का अवलोकन किया। उन्होंने आराशिया कंपनी के प्रतिनिधि नवीन पांडे से रैक के लोडिंग के संबंध में पूछताछ की। इस अवसर पर जालौर ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बालू एवं पुरुषोत्तम भंडारी सहित उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं उद्यमियों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के इस कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि जालौर के ग्रेनाइट उद्योग को अब अधिक संबल मिलेगा, वहीं जालौर के ग्रेनाइट की ख्याति भी बढ़ेगी। मेरी इच्छा है कि हर हिंदुस्तान के कोने कोने तक मेरा ग्रेनाइट पहुंचे और हर एक छोटे से छोटे नागरिक के दिल में है कि ग्रेनाइट बहुत महंगा है, जबकि ग्रेनाइट महंगा नहीं है, ग्रेनाइट सस्ता है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ग्रेनाइट महंगा बढ़ रहा है, जो हमारी कोशिश है कि इस ट्रांसपोर्टेशन को कम से कम रेट में पूरे इंडिया के कोने कोने तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बेंगलोर आज भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हमारी इच्छा रहेगी कि दिल्ली के साइड में भी हम मतलब में ग्रेनाइट को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे साथ प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है, तो हम प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनको मतलब मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी रेलवे फाटक के बंद होने पर दूसरी तरफ खड़ी खाली ऑटो रिक्शा के माध्यम से रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। जिला कलेक्टर मंगलवार को रैक के अवलोकन के लिए रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए, परंतु FCI के रेलवे फाटक के बंद होने के कारण वही रुकना पड़ा। लेकिन जब दूसरी तरफ एक खाली ऑटो रिक्शा को देखा तो तत्काल जिला कलेक्टर ऑटो में अपने गनमैन के साथ बैठकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। जिला कलेक्टर के टैक्सी में बैठकर आने पर उपस्थित सभी उद्यमियों ने हर्ष व्यक्त किया। निर्वाचन नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक 2 सितंबर बुधवार को प्रातः 11 बजे जालौर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित की जाएगी। जालौर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी हरफुल पंकज ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग व जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जालौर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 15 सितंबर से 11 जनवरी 2016 तक कार्यक्रम जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों एवं मतदाताओं का सत्यापन करने के लिए BLO व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नियुक्त BLO द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके संबंध में जानकारी व चर्चा के लिए जालौर विधानसभा क्षेत्र के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक 2 सितंबर बुधवार को प्रातः 11 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय जोधपुर द्वारा आहूर के उमेदपुर में 2 सितंबर से आयोजित किए जाने वाले जन सूचना अभियान के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा निकटवर्ती ग्राम में व्यापक प्रचार किया गया। प्रचार कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि निदेशालय की जोधपुर एवं बाड़मेर इकाइयों ने प्रचार कार्यक्रम के तहत उमेदपुर के अलावा पचानवा, डोडियाली, अल्लावासी, अगवरी एवं घोड़ा बालोतान गांवों में उपयोगी जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणजनों एवं स्कूली बच्चों को स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जानकारी देने के साथ ही शपथ ग्रहण भी करवाई। उन्होंने कहा कि माँ बाप की चाहत होती है कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, इसकी व्यवस्था भी सरकार की ओर से है, लेकिन जानकारी के अभाव में माँ बाप संपूर्ण टीकाकरण नहीं करवाते। ये टीके बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी 7 घातक बीमारियों से बचाते हैं, इसीलिए प्रयास पूर्वक गर्भवती महिलाओं और बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करवाना जरूरी है। उमेदपुर अभियान के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की दोनों इकाइयों ने मौखिक संवाद, प्रचार सामग्री का वितरण, संगोष्ठी और प्रतियोगिता तथा चलचित्र प्रदर्शन जैसे रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किए। आमजन को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जोड़ने के लिए तथा दी गई जानकारी को प्रभावी बनाने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों को निदेशालय की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।